हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माँ को अभी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। माटी सब माटी और पानी खाबी ना और पानी कौन क्यों मैं अकमान यूट्यूब चैनल अटा आसे ना अपना मैं देखाम अकमान अपनी किमान दिन पर माने हे कोइसले माने डॉक्टर हे होल मोय फाकुरी कोइ 71 पर अपना एज किमान होसे इटा 76 धोइबो नहारे ঠিক আছে। আৰু আপুনি ডক্টৰেট কত কমপ্লিট কৰিছিলে? মানে ডক্টৰ ডিব্ৰুগড় তাৰ পিছত কলকাতা পঢ়িলো। হয়, কলকাতা পঢ়িছে। ডিব্ৰুগড়, কলকাতা, দিল্লী, हमारा आसाम का मतलब नौगांव डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा डॉक्टर है और हर मतलब बीमारी का इलाज करते हैं। मेरी माँ का जो कमर में दर्द था वो भी ये सर ने ही ठीक किया था। अभी जो बीमारी हो रही है ये सर ही ठीक कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं मतलब ये ऐसा इतना अच्छा डॉक्टर को हम मेरे चैनल पर आप लोगों को दिखाकर मेरा मतलब बहुत खुश नसीब हूँ। ऐसा डॉक्टर को मतलब आप लोगों के साथ पहचान करा रही हूँ। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए आज का ब्लॉग और मैं हमारी माँ को भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये सर बहुत 76 का है लेकिन पता नहीं चलता है। आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी, ये सर का चिड़िया है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में। पिछर खबर नहीं बस लाइन दिला पैसा तो खाओ पाए चिड़िया अच्छा अटल ले जाए খুলি গল না उस दिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाए ब्लॉग, तो दो दिन के बाद अभी ब्लॉग दे रही हूँ। किसको चाहिए चाउमीन? कैसा लग रहा है? थोड़ा सा लो। हुआ
हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट में चाउमीन बनाया मैंने और सब लोग चाउमीन खाया और माँ तो कुछ नहीं खा पा रही है अभी तक, थोड़ा सा चाय पी लिया। अभी दोपहर का खाना बन रहा है और मछली, छोटा छोटा मछली लाया था हस्बैंड ले, तो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ हीटर में। और बाकी दाल चावल गैस में बना रही हूँ, मतलब भाभी भी बना रही है, तो दोनों मिलकर दोपहर का खाना का इंतज़ाम कर रही हूँ। सोनामणि को 4-5 दिन हो गया नहलाया नहीं, इसलिए आज गर्म पानी बनाकर दिया, तो हस्बैंड ने नहला रहे हैं सोनामणि को। और अभी शाम के टाइम है, तो शाम का नाश्ता कुछ बनाने के लिए भाभी ने ये रेडी कर रही है। तो असम का पीठा बोलता है ये, असम का मतलब ट्रेडिशनल रेसिपी है ये, केटली पीठा बोलते हैं। तो कैसे बना रहे हैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये चावल का आटा है और इसमें चीनी और नारियल पीसकर मिक्स कर लिया है। और अभी एक केटली है, केटली में पानी गर्म है और केटली के जो ढकना होता है ना, तो उसमें चावल का आटा, चीनी और नारियल का मिक्सर केटली के ढक्कन में दे दिया। और एक कपड़ा से साफ, ये कपड़ा साफ होना चाहिए, धोकर साफ कर लिया है और उस कपड़ा से ऐसे ढक दिया है। और केटली से भाप ना निकले तो केटली के जो एक नाली होता है उसमें कपड़ा से ब्लॉक करके रखा है, जैसे पानी का भाप ना निकले, क्योंकि भाप में ही ये पीठा बनता है और खाकर बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी बनाकर खाइएगा, अगर आप लोगों को पूरा रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं एकदम शुरू से आप लोगों को पूरा रेसिपी दिखाऊंगी। टेस्टी बढ़िया लगे खाए, बहुत दिन खाई देखा, बहुत दिन के बाद मानु हिंदी मानु की बुझी पा। आसामीज केटली पिठा बोलते हैं, बहुत दिन के बाद खाया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी खा के कभी देखिए, टेस्टी। और ये देखिए, मैं शुगर कैन खा रही हूँ, मतलब बहुत दिनों के बाद मिला है ये। और शुगर कैन को असमीज लैंग्वेज में कुहियार बोलते हैं, और ये शुगर कैन से ही दरअसल शुगर बनाता है। तो बहुत दिनों के बाद खाकर अच्छा लग रहा है, मतलब भाई या भाभी के घर के पास में ही थोड़ा सा शुगर कैन है, तो हस्बैंड ने काट कर लाया था। और जो चाकू से काट कर खाने से बेहतर ये, मतलब दांतों के सहारे जो छिलका होता है वो निकाल कर
शुगर कैन खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आऊँगी जल्दी से। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।